पूर्णिया के जो नए एसपी हैं आमिर जावेद, उन्होंने आज अपना जो है वो कार्यालय आके अपना ज्वाइनिंग किया है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो पूर्णिया में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। और उन्होंने कहा कि जो भी युवा वर्ग इसमें के कहीं ना कहीं जो सेवन में लिप्त हैं या कारोबार में लिप्त हैं उन पे मेरी प्राथमिक नज़र रहेगी और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो पूर्णिया पुलिस के साख के सवाल पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक दो इंसिडेंट होते हैं, बिहार पुलिस का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास रहा है जो, और जो है पूर्णिया की जो पुलिस है वो बेहतर काम करेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सभी लोगों को कहीं ना कहीं मदद करने की आवश्यकता है। और इस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से पिछले 10 अक्टूबर को जो इससे पहले जो पूर्व एसपी थे दयाशंकर, उनके यहाँ जो जिस तरह से निगरानी और विजिलेंस की जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कह सकते हैं कि जो छापेमारी हुई थी, उसके बाद से उनका निलंबन होने के बाद पूर्णिया के जो नए एसपी हैं वो आमिर जावेद हैं, जो आज अपने कार्यालय में योगदान दिया है और इसके बाद सीधे तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूर्णिया पुलिस जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी और पुलिस जो है लोगों के लिए काम करेगी, जो समस्या लेके आएंगे उन समस्याओं को दूर करने का कहीं ना कहीं हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो साख है पूर्णिया पुलिस की वो बरकरार रखी जाएगी। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता तो सबसे पहले मेरी ये है कि जो मैं अपने रिसोर्स को देख रहा हूँ, ये रिसोर्सेज मेरा जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, थानों में फोर्स सही माने में और जो मेरा पदाधिकारी है वो पहुँचे। पहले जब मेरा थाना स्ट्रेंथन होगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। मेरा पहला प्राथमिकता अभी मेरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर है, लाइन का। मैं पहले सवेरे आने के साथ पहले लाइन ही गया, वहाँ से मैंने फोर्स को देखा कितना मेरे पास फोर्स पदाधिकारी है, कितना कमी है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सामान कितना, गाड़ियाँ मेरे पास क्या हैं, कितनी है क्या नहीं है, वो पहले मैं रिसोर्स मोबिलाइज करूँगा, उसके बाद ही। सर, छोटे बच्चे जो युवा हैं उसको मतलब स्नेक का यहाँ पे प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, उसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, वो सोशल इविल है, वो मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। किसी भी देश का युवा वर्ग जो होता है वो उसकी सबसे बड़ी संसाधन होता है और उस संसाधन को बचाना हमारा दायित्व है, तो मैं उस पर पूरा मेरा ध्यान है। स्नेक के जो भी सिंडिकेट है उसको हम लोग स्मैश करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से पूर्णिया पुलिस की साख इस बीच में गिरी है, उसको बनाने में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, कैसे हो पाएगा? किसी एक दो उदाहरण से किसी ऑर्गेनाइजेशन की साख नहीं गिरती है। बिहार पुलिस का इतिहास बहुत लंबा है, यहाँ एक से एक लोग रहे जिन्होंने अपनी जान दे करके भी विधि व्यवस्था और की किया है, हिफाजत किया है, तो एक या दो इंसिडेंट से आप बिहार पुलिस को कृपया ना आते हैं।